अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको एक नया टॉपिक लाइक आपको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी टेक्निक्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कौन से सप्लायर्स को आप यूज कर सकते हो फॉर ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट्स हंटिंग लेकिन आज जो आपको वेबसाइट्स बताने लगी हूँ और जो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर्स बताने लगी हूँ दे आर रियली uh, ऑसम really awesome. और उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और ऐसे सच उनकी प्रोडक्ट्स में ऑर्डर uh, कैंसलेशन का इशू भी नहीं है और बहुत सारे होल सेलर भी उन साइट्स को यूज कर रहे हैं तो आप भी एज एन ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट uh, हंटिंग उन साइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन इन साइट्स पे काम करने के लिए uh, थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका सख्त है लाइक इसमें एमओ क्यू जो है यानी कि कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी है उसकी लिमिट होती है कि हर प्रोडक्ट में मार्जिन हर चीज़ एवरीथिंग इज क्लियर ऑन द वेबसाइट और क्राइटेरिया हर चीज़ उन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दिखाया हुआ होता है जस्ट यू नीड टू फाइनलाइज द प्रोडक्ट देट यू आर गोइंग टू सेल और आप कंटिन्यूसली उनसे प्रोडक्ट्स लेते हो वो आपको अमेजोन के क्राइटेरिया के मुताबिक इन्वाइसिस भी देते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन का रेट भी उसमें कम है बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि क्या कार है जिसके थ्रू हम ऑर्डर कैंसिलेशन से अवॉइड कर सकते हैं या उसको चेक कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं सो so मैं आज आपके साथ दो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो शेयर करूंगी जिसमें डबली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूटर uh, है जो कि बल्क में प्रोडक्ट्स आपको देता है आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हो और होलसेल प्राइसिंग को देखने के लिए अकाउंट इसमें रिक्वायर्ड होता है सो so, सबसे पहले आपको एज ए रिटेलर यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कंपनी नेम और फोन नंबर और इसके अलावा आपने कहाँ से इनके बारे में आपको पता चला साइन अप कर लेना आपने ठीक है जब आप साइन अप करोगे उसके बाद आपको इनकी डील्स और बाकी सारी चीजें जो है वो नजर आना स्टार्ट होंगी ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर जस्ट एक डमी जो है वो यहाँ पर साइन अप करती हूँ ताकि आप लोग जो हैं वो देख सकें और आपको अंदाजा हो कि किस तरह से इसमें हंटिंग करनी है आपने ठीक है तो यहाँ पर मैं आ, आपके सामने इस वजह से कर रही हूँ कि आप लोगों को अंदाजा हो कि आ, इसके ऊपर आपने किस तरह से अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है ठीक है तो लेट्स से मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन और इसमें मैं फिलहाल अदर सोशल मीडिया कर देती हूँ साइन अप कर देती हूँ ठीक है उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन एयर आपसे पूछेगा जैसे आ, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं क्वेश्चन एयर देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं फर्स्टली आप अपना ई दोबारा से दो सो मैं अपना ई फिलहाल यहाँ पर दे देती हूँ ठीक है नेक्स्ट कर लेते हैं आर यू प्राइमरली इंटरेस्टेड इन री सेलिंग आइटम टू कंज्यूमर और बिजनेस ठीक है या फिर आप अदर कर लें इसमें और यहाँ पर आप बताओ कि आप अमेजोन पर सेलिंग करेंगे ठीक है सेलिंग ऑन एमेजोन लिख देते हैं अच्छा और उसके बाद हमें इंग्लिश सिर्फ चाहिए सबमिट कर देते हैं ये टू क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर हो गया अब हमारा जो है वो अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ठीक है तो इसके बाद जो है ठीक है तो अब इसके बाद क्या है कि वो हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और स्केजल ओरिएंटेशन होगी और डिटेल लॉगिन वगैरह हमें यहाँ पर दे दिए जाएंगे ठीक है और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ, मैं दोबारा से इसको ओपन करती हूँ ई ई डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इसको ओपन करके अच्छा अभी वो क्योंकि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है तो ये एक आपको मैंने बता दिया इस पे अकाउंट क्रिएट कर लें और इस पे बहुत अच्छी डील्स हैं बाकी क्राइटेरिया वही देखें कि प्रोडक्ट का वेट जो है वो लेस देन फोर पाउंड होना चाहिए और आ, जो सेलर हैं वो थ्री प्लस लाजमी हो रिव्यू रेटिंग उसके अच्छी हो बी लो हो Uh, तो अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं देन ऑब्वियसली आपके लिए अः um, सूटेबल है वो प्रोडक्ट ठीक है बाकी आपने बाय बॉक्स की रोटेशन को कीपर से देख लेना है प्लस उसके साथ साथ आपने जो उसके स्टेटिस्टिक्स हैं कीपा के उसमें आपने देख लेना कि इसका सेल्स रैंक कितना रहा है अमेजोन कितने टाइम्स आया कितने टाइम्स चला गया ठीक है इस चीज़ को आपने देखना है अच्छा नेक्स्ट साइड में आपको बताने लगी पैलेट फ्लाई के नाम से है ठीक है और ये बहुत अच्छी इसमें कोई आपको लॉग इन इन करने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट पैलेट फ्लाई के नाम से है ये रजिस्टर कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप नहीं करना चाहते अभी तो जस्ट आप प्रोडक्ट्स अगर देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो ये यह देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स पर क्लिक करती हूँ देन यहाँ पर देखो डिफरेंट आइटम्स इस तरह से मेरे पास आना स्टार्ट हो गई है इन आइटम्स में अच्छी बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाली प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो एक तो डील की कॉस्ट आ रही है कि मिनिमम टू फिफ्टी फाइव पीसेस आपको खरीदने पड़ेंगे और तकरीबन ट्वेल्व इलेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव डॉलर में आपको ये टू फिफ्टी फाइव पीसेस मिलेंगे और पर आइटम जो प्राइस आपसे uh, आपको पड़ेगी वो फोर पॉइंट सेवन फाइव है और इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन है और परसेंटेज ये है ठीक है इसको व्यू डिटेल्स पर जब आप क्लिक करोगे देन ऑब्वियसली यू विल सी के सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी अमेजोन पर इसका जो सेल्स रैंक है वो फिफ्टी टू थाउजेंड है और डील की कॉस्ट आ रही है प्रॉफिट आ रहा है सिक्सटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें यहाँ पर यूनिट प्राइस क्वांटिटी शिपिंग इसमें अभी शामिल नहीं है और इसमें एफ बी ए भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेलर सिक्स हैं फिर एमज़ोन सेलिंग नहीं कर रहा है इस प्रोडक्ट की इतनी यूनिट्स अवेलेबल हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतना है ये सब एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट हंड्रेड डॉलर है और उसके अलावा फाइव पॉइंट वन फोर डॉलर जो है वो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट है ये सारी चीजें आपको बता रहे है। इसके साथ साथ ये कैमल कैमल की एक्सटेंशन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बताएगी ये उसकी प्राइस का ग्राफ है जो कि आपको फ्लक्चुएशन वगैरह अमेजोन के हिसाब से इस प्रोडक्ट को दिखा रहा है इसके अलावा यहाँ पर देखो रिटेल पैकेजिंग में आएगी प्रोडक्ट कंडीशन न्यू है प्रोडक्ट की साइज और डायमेंशन वगैरह भी मैंशन नहीं है वो यहाँ पर अवेलेबल है अब ये जब हम खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से होगा वेट पर पैलेट फिफ्टी पाउंड होगा मास्टर वेट इसका फोर एल बी है और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरह से शो हो रही हैं तो आपने इन चीजों को देखते हुए डिसाइड करना है अब देखो यहां पर अगर मैं ए पर क्लिक करती हूँ तो सेम प्रोडक्ट एमेजन में जाकर ओपन हो जाएगी और आप एमेजोन में इसकी सेलिंग प्राइस और प्रोडक्ट और ये वो सारी चीजें आपको फोर डॉलर में सिर्फ पड़ रही है प्रोडक्ट और यहाँ पर फोर्टीन एटी थ्री में सेल आउट हो रही है विच इज वेरी गुड ठीक है वो पर पैक है लेकिन और ये पैक ऑफ फोर है ठीक है इस लिहाज से अब आपने इसको देख लेना है सो so, आपको आज मैंने दो टेक्निक्स बताई हैं और इसमें बस एक चीज और मैं आपको बताती चलूँ कि फ़िल्टर्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पर अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी कैटेगरी होम इम्प्रूवमेंट की लड़ से आप सिलेक्ट कर लेते हो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके और इसके बी एस आर को आप जो है वो मैनेज कर सकते हो सेल्स रैंक को और यहाँ पर आप वैसे भी लिख सकते हो ठीक है और इसको फिलअप करने के बाद थर्टी थाउजेंड मैंने सेलेक्ट कर दिया प्रॉफिट की परसेंटेज लेट से मिनिमम मैं कहती हूँ थर्टी परसेंट हो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो यूनिट प्रॉफिट इसका मिनिमम फाइव डॉलर होना चाहिए फिर वही आइटम्स आपको नजर आएंगी ठीक है डील कोस्ट को छोड़ दें नंबर ऑफ सेलर हम लगा देते हैं कि हर प्रोडक्ट में कम से कम फाइव सेलर लाजमी हो ठीक है और ऐसी प्रोडक्ट जिसको अमेजोन सेल आउट कर रहा है उसको भी हाइड कर दें अब मैंने अप्लाई फ़िल्टर्स किया है देन अब मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया और जो मैंने क्राइटेरिया ऑब्वियसली पुट किया होगा उसी के मुताबिक यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगी ठीक है और इसके अलावा ये है कि आप अगर प्रोडक्ट्स इस तरह से अभी कोई नज़र नहीं आई आप इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो इस मार्जिन को थोड़ा कम कर दो लेट्स से मैं टेन परसेंट पे चली जाती हूँ हो सकता है वो कैटेगरी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल ना हो आ, हम आ, कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो हमारे लाइक कंसर्निंग है या जो हम समझते हैं कि हमारे लिए सेल करना ठीक है ठीक है तो मैंने अब ये सिलेक्ट किया और अप्लाई फिल्टर्स किया अब देखते हैं हो सकता है कि अब आइटम हमारे पास आ जाए ठीक है ये आ गई है आइटम्स हमारे पास अब इन आइटम्स को आप ओपन कर लें वन जीरो एट पीसीस और बी एस आर इसका कंपैरेटिवली हाई है इसका भी कंपैरेटिवली हाई है Uh, मतलब हाई बी एस आर आइटम्स चाहिए हमें लो बी लो बी एस आर आइटम्स चाहिए होती हैं ताकि जल्दी जल्दी सेल आउट हो तो आप ऑब्वियसली इसमें क्राइटेरियाज और कैटेगरी और इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आप आइटम्स को यहाँ पर सर्च करते जाओगे लेकिन एक चीज़ आपने नहीं भूलनी कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो उसको आपने सेलर असेंशल पर जाकर जरूर चेक करना है ठीक है ताकि आप बहुत अच्छा लगे कि ये रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड तो नहीं है कहीं हम रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड सेल आउट करना ना स्टार्ट हो जाए ठीक है जैसे ये है इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ आपने हर ब्रांड को चेक करना है बिफोर दो चीजें आपने कंसीडर करनी होती है एक आपके अकाउंट पे वो प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती और दूसरा ये कि आपने अमेजोन पे ये रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड यहाँ से चेक करने होते हैं जैसे बारबी की प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर सकते बियर असेंशियल की कॉस्मेटिक्स की इस तरह से डिफरेंट ब्रोक्स uh, एक है ब्रांड है फेबरवेयर uh, है इस तरह से ये सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि हमने सेल आउट नहीं करने ठीक है तो होपफुली आपको वीडियो जो है उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी सो कीप वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच